नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता गुरुदेव भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। हर वर्ष श्राद्ध पक्ष की समाप्ति के बाद नवरात्रि अश्विन माह में ही प्रारंभ होती है, परंतु इस बार अश्विन मास में अधिक मास लगने के कारण एक महीने के अंतर पर नवरात्रि आरंभ होगी। ऐसा संयोग करीब 165 साल बाद होने जा रहा है। चलिए आपको अधिक मास की 20 काम की बातें बताते हैं। इसे जानने से पहले, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। अधिक मास के अधिपति देवता भगवान विष्णु है। इस मास की कथा भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। अतः इस मास में इन दोनों की पूजा करने से सभी तरह के संकट मिट जाते हैं। इस माह उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। जो व्यक्ति इस माह में व्रत पूजा और उपासना करता है, वह सभी पापों से छूटकर बैकुंठ को प्राप्त होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री नरसिंह भगवान ने इस मास को अपना नाम देकर कहा है कि अब मैं इस मास का स्वामी हो गया हूँ और इसके नाम से सारा जगत पवित्र होगा। इस महीने में जो भी मुझे प्रसन्न करेगा वह कभी गरीब नहीं होगा और उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसलिए इस मास के दौरान जप तप दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस मास में शालिग्राम की मूर्ति के समक्ष घर के मंदिर में घी का अखंड दीपक पूरे महीने जलाएं। इस माह में खासकर श्रीमद्भागवत की कथा का पाठ करना चाहिए या गीता के पुरुषोत्तम नाम के 14वें अध्याय का नित्य अर्थ सहित पाठ करना चाहिए। भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशर मंत्र का जप करना चाहिए। इस मास में पुरुषोत्तम महात्म्य का पाठ भी अनंत फलदायी है। इस मास में भगवान के दीपदान और ध्वजादान की भी बहुत महिमा है। इस मास में गौ को घास खिलानी चाहिए। इस महीने व्रत करने वालों को एक समय भोजन करना चाहिए। भोजन में गेहूं चावल जौ मूंग तिल बथुआ मटर चौलाई ककड़ी केला आंवला दूध दही घी आम हर्रे पीपल जीरा सौंठ सेंधा नमक इमली पान सुपारी कटहल शहतूत मेथी आदि खाने का विधान है। मांस शहद चावल का मांड उड़द राई मसूर मूली प्याज लहसुन बासी अन्य नशीले पदार्थ आदि नहीं खाने चाहिए। इस माह में विवाह नामकरण श्राद्ध कर्ण छेदन व देव प्रतिष्ठा आदि शुभ कर्मों का भी इस माह में निषेध है। अधिक मास के दौरान सर्वार्थी सिद्धि योग 9 दिन, दिव्य पुष्कर योग 2 दिन, अमृत सिद्धि योग 1 दिन, पुष्य नक्षत्र 1 दिन तक आ रहा है। इन योगों में विवाह तय करना, सगाई करना, कोई भूमि मकान भूमि भवन खरीदने के लिए अनुबंध किया जा सकता है। आभूषण या अन्य खरीदारी के लिए भी ये शुभ योग जो मुहूर्त देखकर खरीद सकते हैं। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान का षोडशोपचार पूजन करने, श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा आराधना व्रत आदि करने से मनुष्य के दुख दारिद्र और पापों का नाश होकर अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इस माह में विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए। पौराणिक शास्त्रों में भगवान विष्णु के 1000 नामों की महिमा अवर्णनीय है। विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। अधिक मास में ध्यान और योग के माध्यम से इस पूरे मास में जातक अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से उच्च स्तर पर पहुंचकर सफलता का सारे रास्ते खोल सकता है। इन प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का भी निराकरण हो जाता है। इस मास में श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता श्री राम कथा वाचन गजेंद्र मोक्ष कथा और श्री विष्णु भगवान के श्री नरसिंह स्वरूप की उपासना विशेष रूप से की जाती है। सेहत और स्वास्थ्य के लिए भी यह मास उत्तम माना गया है। अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बाहर से स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त कर
नई ऊर्जा से भर जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस आप देख पाएं। धन्यवाद।